भागलपुर के गंगा किनारे शमशान घाट पर लाश के दाह संस्कार के लिए जगह की कमी हो गई है। बढ़ते ठंड की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। शमशान घाट बरारी में लाश की संख्या और उनके परिजन परेशान दिखते हैं, जबकि शमशान घाट बरारी में एक बेड वाला विद्युत सुविधा गृह भी है, लेकिन अधिकतर समय मेंटेनेंस की जरूरत की वजह से बंद रखना पड़ता है। विद्युत सुविधा गृह के संचालक राहुल राय का कहना है कि स्मार्ट सिटी के रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य की वजह से लाश जलाने की जगह छोटी पड़ गई है। स्मार्ट सिटी ना तो विद्युत सुविधा गृह का नया निर्माण करा रही है और न ही लकड़ी से जलाने वाली जगह दे रही है। जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है ना, तो आधे घाट को कवर कर लिया गया है। बहुत थोड़े से जगह में जो है लाश को जलाना पड़ता है। ठंड आने की वजह से जो है बाहर से लाश जाना आना ज़्यादा हो गया है, इस वजह से परेशानी हो रही है। सुविधाग्रह सर आज बंद किए हुए। कारण? कारण वो मेंटेनेंस की वजह से अंदर का जो है ना वो डॉकयार्ड का पाइप फट गया है। हाँ। जो धुआं पूरा अंदर हॉल में ही गुंज जाता है। कितना सीट है, एक ही है या और है? नहीं, एक ही सीट है सर। मतलब इसमें और भी बनने की बात आई थी? अभी तो हम लोग को सुनने में आया था, लेकिन अभी तो धरातल पर उतरते हुए नहीं देख रहे हम लोग। तो लाश जलाने का जो लकड़ी वाला जगह है वो उसमें कितना जगह बच रहा है? मतलब पहले की अपेक्षा सिर्फ 1/4 जगह है सर। तीन कोना जगह को जो है स्मार्ट सिटी कवर कर लिया है। हाँ। परेशानी बड़ी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गंगा भी मैली हो रही है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतरी को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा व्यवस्था में सुधार के दावे किए जाते हैं और मरीजों को कहीं से असुविधा ना हो इसको लेकर कई कदम उठाए जाने की बात की जाती है। लेकिन भागलपुर के सदर अस्पताल की जो तस्वीर नजर आई है उसे देखकर समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के दावे कितने खोखले हैं। दरअसल सदर अस्पताल में शाहकुंड अस्पताल से एक गर्भवती महिला दर्द से बेहाल होकर पहुंची थी, लेकिन अस्पताल की बेरुखी के कारण उसे इधर से उधर भेजा जा रहा था। ना तो उसे स्ट्रेचर दी गई और ना ही कोई अस्पताल का कर्मी ही साथ में था। वही जब मीडिया पर नजर पड़ी तब अस्पताल कर्मियों ने आनन फानन में उसे अस्पताल के अंदर दाखिल होने दिया। परिजन सहित आसपास खड़े लोगों का कहना था कि सुबह से ही महिला को इधर से उधर भेजा जा रहा था, जबकि महिला दर्द से कराह रही थी। वहीं मीडिया कर्मियों को देखकर डॉक्टर और नर्स हरकत में आए और महिला का इलाज शुरू किया गया। अगर पत्रकार यहां पर नहीं होते तो समझा जा सकता है कि महिला के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। पेशेंट जो आई थी तो पर्सेंट को डिलीवरी पर्सेंट था वहाँ पर रात भर 3 बजे से साकुन में भर्ती किया। वहाँ से कहा कि हमको से नहीं सफरेगा, इसको ले जाओ सदर हॉस्पिटल। तो वहाँ कर से यहाँ लेकर के आए हैं। कब लेके आए? यहाँ सवेरे लेके आए हैं। सवेरे से यहाँ 2 मरतबा आ चुके हैं। घुरा दिया, तीसरा मरतबा फिर भी यहाँ आए हैं। क्या कहा यहाँ? यहाँ कहा कि नहीं, पहले खून जांच कराइएगा तब लेगी भर्ती, ऐसे नहीं लेंगे। ऐसे छोड़ दिया? ऐसे छोड़ दिया, देखो नहीं किया। दर्द था पेशेंट को? हाँ, दर्द खूब है। भारत सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। उसी बाबत भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सांसद अजय मंडल, नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह, शिशुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ प्रत्येक प्रखंडों में जाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में बताएगी और यातायात के बारे में भी लोगों को समझाएगी। यह सड़क छह सप्ताह कार्यक्रम 11 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक चलेगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करें, तभी हम सड़कों पर सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने के बाद ही हम परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। पूरे जोशों खरोश से यहाँ के पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी, सभी लोग मिल करके सड़क सुरक्षा का संदेश पूरे ज़िले के अंदर देने का काम आज के इस रथ के द्वारा होगा, जिससे कि जनता में एक जागरूक भी हो और ड्राइविंग लाइसेंस के जो नियमावली में है अगर उस हिसाब से चलेंगे तो यकीनन लोग अपने आप घर से निकलने के बाद सुरक्षित घर भी वापस आ जाएंगे। सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिस तरह की इतनी सुरक्षा के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वो खराब थे, लेकिन शराब पी लोग पी रहे हैं। देश के कानून ने क्राइम को रोका है, क्राइम के विरुद्ध में कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लोग क्राइम करते हैं, तो क्राइमिनल को भी पकड़ करके उन्हें सुधारने के लिए उनको एक रूप दिया जाता है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
आप सुधरिए और देश के मुख्य धाराओं में, जनता के मुख्य धाराओं में, अपने समाज के मुख्य धाराओं में आइए। ठीक उसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद लोग कभी शराब पी करके गाड़ी चलाने लगते हैं और ड्राइवर नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों को इस सड़क सुरक्षा का संदेश मिले और वो भी अपने समाज के सूत्रधार में बंधे और सामाजिक कार्य में आवे, समाज के जो नियम है ड्राइविंग लाइसेंस का जो नियम है उसको पालन करे, इसके लिए बना। अच्छा सप्ताह की आज शुरुआत हुई है और आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि जो माननीय सांसद महोदय हैं, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद एवं अन्य जितने भी गणमान्य अतिथि हैं नौगछिया एसपी साहब सबकी उपस्थिति में आज जो है वाहनों को रवाना किया गया है और सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य यही है कि पूरे सप्ताह भर ये कार्यक्रम चलेगा और इसका उद्देश्य यही होता है कि सड़क से संबंधित जो दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार जो है ठीक से जानकारी नहीं होती है उसके कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है या कई बार उसके कारण बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है, तो उन सब के बारे में जागरूक करना है और हम लोगों का लगातार ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को करते रहें और उसके कारण लोगों में जागरूकता है और जहां हम लोग वायलेशन देखते हैं वहां कार्रवाई भी होती है। तो लोगों से यही अपील है यथासंभव जितना उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो इस संबंध में जागरूक हों, जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि सबको जो है ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी एवं पुलिस प्रशासन यातायात के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया जिसमें जिन मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट नहीं पहना था उन्हें गुलाब का फूल देकर मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनकर चलाने की नसीहत देते दिखे। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी आप दोपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर ही चला करें। वहीं ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करने से भी कभी दुर्घटना नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों कार्यकर्ता और यातायात प्रशासन के कई अधिकारी व पुलिस जवान मौजूद थे। 11 से 17 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज पहला दिन है। आज हेलमेट पहनने वालों को गुलाब का फूल दिया गया है और बताया गया है कि हेलमेट पहने हेलमेट में अपना ब्लॉक लगा दें। पुलिस प्रशासन क्या अपील करती है आमजनों से? सुरक्षा सप्ताह अभी मनाया जा रहा है 11 से 17 तक। इसमें सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो भी बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं सुरक्षा नियमों का पालन करें, गाड़ी स्टार्ट करने के पहले हेलमेट पहने, पहले हेलमेट फिर चाबी, और उसी तरह से सीट बेल्ट में आप बैठते हैं और आदत डालिए कि पहले सीट बेल्ट लगाएं और तब गाड़ी में चाबी लगाएं। ये जब तक आप आदत नहीं डालेंगे या एक्सीडेंट रुकेगा नहीं और होगा तो जानलेवा होगा। अतः और पेरेंट से निवेदन है कि बच्चों को बाइक तो दे देते हैं लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, कि आप पहले उनसे कबूल करवाइए कि हेलमेट पहनेंगे तभी गाड़ी देंगे, लिखित लीजिए बच्चों से, और यदि वो नहीं करते हैं तो उसको बाइक को जब्त करके घर में रखिए कि वो बिना हेलमेट के गाड़ी कदापि नहीं चलाए, और ऐसा करने पर उसका गाड़ी घर में रख लीजिए और उसका चाबी नहीं दीजिए। और सबों से अपील है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में लोगों को जागरूक करें और जहां भी कोई दिखे उनको समझाने का प्रयत्न करें, और इसी संबंध में जीवन जागृति सोसाइटी लगातार कार्य करती है और सड़क सुरक्षा सप्ताह में ही हम लोग जागरूक नहीं रहें बल्कि हम लोग सड़क सुरक्षा के लिए सालों भर हम लोग लगे रहेंगे तभी इसमें कमी आएगी। नालंदा जिला के लहरी थाना क्षेत्र के लहरी मोहल्ले की युवती को उड़ीसा के एक युवक से प्यार हो गया। 5 महीने बाद दोनों बिहार शरीफ स्थित एक मंदिर में शादी रचा, हमेशा के लिए एक हो गए। बता दें कि नालंदा जिला के लहरी थाना क्षेत्र की लहरी मोहल्ला निवासी सुरवीन प्रसाद की पुत्री पूनम कुमारी सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए देवघर गई थी। इसी दौरान उड़ीसा के संबलपुर निवासी
महेंद्र मिश्रा के पुत्र विश्वनाथ मिश्रा और विक्की से मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर बात करने लगे। इस बीच दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता गया। हालांकि लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके बाद प्रेमिका ने सोमवार को प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। प्रेमिका ने बताया कि शादी के बाद वो काफी खुश है, हालांकि मेरे परिजन शादी से काफी नाराज है, जबकि ससुराल के लोग साथ दे रहे हैं। क्या माए बाप आए आपका? नहीं। क्यों? मर्जी नहीं। इसमें आपका किसी का पति नहीं, किसी को खुशहाल नहीं रहा है, अपनी मर्जी से शादी कर रहा है। कैसे क्या हुआ आपका लव स्टोरी? साल हुआ बोल रहे हैं, अपना मर्जी से हम मैरिज कर रहे हैं। हम किसी को फैमिली को नहीं फंसाना चाहते, अपना दम से अपना फैमिली को मन से किए। मोहल्ला वाला कोई किसी को बीच में नहीं लाना चाहते हैं। कैसे लव स्टोरी शुरू हुआ आपसे? मेरा लव स्टोरी आपका सावन से शुरू हुआ था। कहाँ? देवघर में। आज मथुरिया मल्लम शादी हो रहा है। कहाँ कराने वाले आप हैं? हम हैं उड़ीसा के। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति को लेकर दूध की मंडी में दूध की काफी कमी देखने को मिल रही है। मंडी में जहां 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन आता था, वहीं लगभग अभी 7,000 लीटर दूध ही पहुंच पा रहा है, जिस कारण दूध के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। दूध की कीमत 50 रुपये से सीधे 100 रुपये तक पहुँच गया है। वहीं आगे और भी दाम बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कम दूध आने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। मार्केट उछाल है, दूध की बिक्री हाई है मकर संक्रांति के लेकर के। क्या रेट चल रहा है? 195। हजूरा क्या बचा था? 60-65। पहले 10,000 लीटर आता था, अभी 6,000 से 7,000 लीटर आता है। इसलिए कमी के कारण जो है हर लोगों को दूध की व्यवस्था संपूर्ण होना चाहिए, इसलिए मकर संक्रांति के कारण जो है दूध की व्यवस्था कम है। मार्केट का स्थिति तो अभी बहुत महंगा चल रहा है। ये 14 जनवरी के लिए अभी वही 195 मार्केट गर्म है, पूरा गर्म है। मकर संक्रांति को लेकर दूध का मार्केट अभी 7 रुपया है, 60 रुपया है, और 90-100 का अधीर है सोची दूध। अंजना है 30-35 बिकता था, 60 रुपया बिकता था अंजना। अभी जो पर्व है, अभी पर्व है, इसलिए दूध कम आता है गांव से दूध कम आ रहा है, इसलिए अभी है ना दूध का भाव चढ़ गया पर्व लेके, और पर्व के बाद फिर हो जाएगा उसे 30-35 और 60 रुपया। हाँ, 16 तारीख के बाद। शराब तस्करी मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा मामला में इसाकचक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर स्थित छोटी लाइन के पास से सीआईटी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रितेश कुमार नामक युवक के घर में छापेमारी कर 35 बोतल विदेशी शराब जब्त किया। सीआईटी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात यहां पर शराब की खेप उतरी है, जिसके बाद टीम के द्वारा छापेमारी की गई और 35 बोतल शराब को बरामद किया गया। वहीं पुलिस शराब कारोबारी रितेश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक स्थित एक इलेक्ट्रिकल दुकान में देर रात आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे दुकान को अपने आगोश में ले लिया और आग की तेज लपट दुकान से उठने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज आग होने के कारण आम लोग इस पर काबू नहीं पा सके, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार का कहना है कि आग में 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है।